7 अगस्त 2021 देश का मौसम। दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपका नवीन शर्मा। हम बात करें मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट की। क्या अपडेट है चलिए जान लेते हैं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे अपडेट रहे आप देश की सभी कैटेगरी खबरों से और मौसमी खबरों से अपडेट। दोस्तों किस प्रकार से फिलहाल वर्तमान मौसमी सिस्टम बना हुआ है सबसे पहले जान लेते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और संबंधित चक्रवाती परिसंचरण औसतन समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। मानसून ट्रफ रेखा बीकानेर तथा जयपुर होते हुए उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के केंद्र से गुजरते हुए वाराणसी पटना बांकुरा और फिर दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की उत्तरी खाड़ी की ओर जा रही है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के मध्य भागों और इससे सटे पंजाब पर देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों वर्तमान में मौसम सिस्टम बना हुआ है। अब बात करें इस मौसमी सिस्टम के कारण देश के किन क्षेत्रों में हो सकती है भारी बारिश या तूफानी बारिश चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के पूर्वी हिस्से और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के आसपास के हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा रहने की पूरी संभावनाएं बनी हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल विदर्भ कोंकण और गोवा के कुछ हिस्से तटीय कर्नाटक और केरल असम और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं सिक्किम हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड पूर्वी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से झारखंड बिहार ओडिशा तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश दक्षिण गुजरात आंतरिक कर्नाटक तमिलनाडु पंजाब कुछ हिस्से हरियाणा और दिल्ली में एक या दो जगहों पर हल्की बारिश संभव है। लेटेस्ट अपडेट था मौसम विभाग का। वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोग जान सके लेटेस्ट अपडेट को बढ़ा सके देश के सभी मौसमी खबरों से अपडेट।